मैं सुबह उठता हूँ सजनी की बाहों में, मैं नहाता हूँ सजनी की बाहों, मैं हंसता हूँ सजनी की बाहों में। अभी मजा आया ना सजनी की बाहों में। हाय गाइस, दिस इज आरजे मोनिका। मेरे साथ इस लाइव सेशन में होने वाले हैं द वाइन किंग आशीष चंचलानी विद मी, जो कि मेरे बहुत फेवरेट है और फर्स्ट टाइम मैं किसी लाइव वीडियो से पहले नर्वस हो रही हूँ। आज मुझे फिर से वो डायलॉग याद आ रहा है ओम शांति ओम मूवी का। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। आई रिमेम्बर मैं हमेशा से चाहती थी मैं उनसे बात करूँ, एंड टुडे ही विल बी विद मी। ओके ओके, आशीष सर इज हियर। हेलो, हाय हाय मोनिका जी, कैसे हैं आप? मैं बड़ी हूँ, आप कैसे हो? मेरे को तो दर्द हो गया, मैं लेट हो गया, मैं ट्रैफिक में अटका हुआ था एक्चुअली। कौन सी ट्रैफिक में अटके थे आप लोग? वो ऐसे लोग बहाने देते ना लेट आने के लिए कि यू नो आप ट्रैफिक में अटक गए। मैं आपको कब से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, मैं आपको कब से सुन रहा हूँ। अच्छा जी, कब से भेज रहा हूँ। फिर मैंने कॉल किया, मैंने उनको बोला यार भेजा है मैंने रिक्वेस्ट। कैसे हो आप? हाँ, मेरे को डांट पड़वा दो, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा था। नहीं नहीं नहीं, बताइए बताइए, इट्स ओके, मैं ले लेता हूँ। मैं जो भी डांट रहे मैं ले लेता हूँ, कोई बुरी बात। कैसे हो आप, कैसा चल रहा है क्वारंटाइन, क्या कर रहे हो? बस चल रहा है लॉकडाउन, बैठे हुए हैं घर पे, काम किए जा रहे हैं लास्ट दो महीनों से। आप बताओ आपका क्या हालचाल? बस हम तो पता नहीं क्या है, बाकी सब लॉकडाउन चल रहा है, हम बैठे हुए हैं, मूछें उग गई हैं, भाई बोलते अब दाढ़ी बनानी शुरू कर दो। आपकी सबकी मूछें उग रही है, मेरी मूछें नहीं उग रही है, बताओ यार। जिन पर उगनी चाहिए उग रही है यार, क्या करें, थोड़ी हमको दे भाई। आई विश मैं ट्रांसफर कर सकती। मैंने अपने भाई को बोला, मेरा भाई बोलते तेरी मूछें उग गई है, तो पंजाबी में देयर इज वर्ड वर्ड कुंडिया मूछा। ओह लाइक कुंडिया मूछा रख ला। ओके, आप पंजाब मरोड़ा? आप पंजाब? हां मैं पंजाब की। जी 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 जी, क्या करते हो आप सारा दिन? मैं सारा दिन तो आधा दिन तो इंसान सोता है, मैं भी वही करता हूँ। स्लीप शेड्यूल पूरा मेरा बदल चुका है अभी। आई एम श्योर इधर जितनी भी पब्लिक हमको लाइव देख रही है उनके साथ भी सेम हो रहा होगा। 6-6 बजे नींद आ रही है, 4-4 5-5 बजे नींद खुल रही है, उसके बाद सिस्टर के साथ बैठो, मॉम डैड के साथ बैठो, नेटफ्लिक्स में एक पिक्चर देखो, अब तो पिक्चरें भी खत्म हो गई है, कितनी देखेगा सीरियसली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव बीन राइटिंग स्क्रिप्ट्स सिंस द लास्ट 15 डेज, उसके पहले उसके वीडियो की, तो मेरा काम कुछ ना कुछ चलता है। आज जाके मैंने मोनिका जी ब्रेक लिया है, टुडे आई एम टेकिंग ओवर। ओके, एंड कांग्रेचुलेशंस, अभी आपने 4-5 घंटे पहले वीडियो डाला था, इट ऑलरेडी क्रॉस 2 मिलियन व्यूज। जी थैंक यू, पब्लिक का प्यार है। मेरा भी है, अगर आप अपनी स्टोरीज चेक करोगे ना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको पता नहीं कब से टैग करती हूँ। अरे आई वाज टेलिंग दिस इज गोइंग टू बी अ स्टारस्ट्रक मोमेंट फॉर मी, जैसा आपको अक्षय कुमार जी के सामने लगता है वैसा मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच मोनिका जी, यू आर वेरी स्वीट, यू आर टू स्वीट, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू। अच्छा, लोग ना, बहुत सारे लोगों ने पूछा था एक सवाल आपके लिए कि आशीष सर का रूटीन क्या है, वो क्या करते हैं सारा दिन। तो मैंने सोचा यार सब लोग आते हैं बताते हैं चले जाते हैं, लेकिन आशीष जो पूरी दुनिया को हंसाते हैं उनका अंदाज भी अलग होना चाहिए। okay. तो आपको अपना सुबह से लेके रात तक का रूटीन बताना है लोगों को, और पीछे okay. टेल वर्ड लगाना है, मतलब हर लाइन पीछे एक टेल वर्ड लगाना है। ओके okay. मतलब जैसे मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ, उसके हाँ. पीछे वो टेल वर्ड okay. और वो टेल वर्ड है सजनी की बाहों में। सजनी की बाहों में, हाँ. ये क्या करवा रहे हो आप लोग मुझसे, मतलब ये कंटेंट ले रहे हो आप लोग मेरे से? सजनी की बाहों जी, सजनी की बाहों में, मैं सुबह उठता हूँ सजनी की बाहों में, मैं नहाता हूँ सजनी की बाहों, मैं हंसता हूँ सजनी की बाहों में। अभी मजा आया ना सजनी की बाहों में। उसके बाद मैं माँ से मिलता हूँ सजनी की बाहों में। माँ से मिल रहा हूँ सजनी की बाहों में, दैट इज सो वियर्ड। मैं कहता आधा सजनी की बाहों में लटका हुआ है, मम्मी वहां साहब।
सजनी की बाहों में, खाना खाता हूँ सजनी की बाहों में, वीडियो बनाता हूँ सजनी की बाहों में। कैसे मतलब कैसे पॉसिबल कैसे हो जाता है वीडियो? एक हाथ पकड़ता हूँ, एक हाथ से वीडियो कैमरा पकड़ता हूँ, दूसरे हाथ से लेट जाता हूँ सजनी की बाहों में। अभी तो सजनी की बाहें दर्द करेगी, इतना सजनी की बाहों में हूँ तो अभी जाने दीजिए। अच्छा वीडियो तक आ गए, अभी अभी थोड़ा सा आगे और है, और है और क्या करते हैं? अच्छा वीडियो सजनी की बाहों में, सब करता हूँ सजनी की बाहों में, लेकिन जो करना है वो नहीं करता हूँ सजनी की बाहों में। मुझे आपकी वो वीडियो याद आ गई, लड़की चाहिए जिंदा हो। और कुछ नहीं। वो पता नहीं अचानक से वायरल हो गया है बहुत। हम लोग क्या इंजीनियर थे ना, तो मतलब मैं इंजीनियर सिविल इंजीनियर रहा हूँ, तो मेरे कॉलेज में क्या भी? आप सिविल इंजीनियर हो? मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। अरे अच्छा, इसलिए आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में थे? अरे हमारे सिविल में तो लौंडे ही थे, सिर्फ लौंडे। कभी कभी तो लोग मेरे को लड़की समझ जाते थे, इतनी लड़कियां कम थी क्योंकि मेरे को दाढ़ी आती नहीं, तो मैं ही चिकना लगता था कॉलेज में, तो मेरे को ही देख के मतलब एकदम ऐसे क्रश रश आ जाता था, फिर बोलता था अरे वो आशीष है, अच्छा ठीक है, फिर हो जाता था। मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता था, ये मैं मस्ती के लिए बोल दिया। नहीं वैसे आप सच में बड़े हॉट लगते हो, वो जो आपकी दाढ़ी वाली लड़की बाहर आती है ना, मतलब क्या इंस्पिरेशन कहाँ से आती है उसकी, मुझे बताओ। सच्ची बताओ उसका कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कभी नहीं। मैं आपको बताऊ मेरी लाइफ में जितनी भी लड़कियां रही है ना, काफी मतलब अच्छी और मतलब इंटेलिजेंट रही है, लेकिन लेकिन मैं मतलब ऐसे कैरेक्टर क्रिएट करना चाहता था, यू नो, जो मतलब ऐसे एकदम इसका एक्सेंट हो, और बाय गॉड्स ग्रेस कभी मैं किसी ऐसी लड़की से मेरा पाला पड़ा नहीं है, लेकिन मतलब एक एक्सेंट क्रिएट करना और मतलब यू नो थोड़ा उसको डम, वो कैरेक्टर का मेरा एक ट्रेट था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट किया ना, इट विल बी मोर फनी टू द पीपल। बट लोगों को क्या लगता है ना, दैट आई हैव बीन इंस्पायरिंग एंड स्टीरियोटाइपिंग गर्ल्स, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। बट क्योंकि क्योंकि कुछ लोग जेन्युइनली इसको रिलेट कर पाते, तो लोगों को लगता है कि नहीं, मैंने मैंने रियली में कोई लड़की को देख के बनाया। बट आई टेल यू, मेरे को आपकी सारी वाइंस इतनी रिलेटेबल लगती हैं, एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, आपकी वो वाइन थी ना, मेरी रूह का दरिंदा फड़फड़ाए, तो मैं सच में दरिंदा बोलती थी, मुझे वाइन देख के पता लगा दरिंदा नहीं परिंदा है। वो कुछ ज्यादा ही मतलब, वो मेरे लाइफ का ऐसा वीडियो था ना, मतलब वो अचानक से बहुत वायरल हो गया, एंड काफी टाइम तक लोग मेरे को मतलब वही वीडियो के थ्रू मतलब जानने लगे, तो वो काफी मतलब वायरल वीडियो थी। तो अभी ये लिरिक्स के साथ कोई और वीडियो आती है? अभी आपने डिमांड किया है मोनिका जी, तो जरूर कुछ सोचेंगे। यस, ये नोट कर लो, मुझे लाइव वीडियो पे बोला कि अगर ये वीडियो आई तो ये मेरी वजह से। डन, चलो आप इसका क्रेडिट लेके जाओ मोनिका जी, डन। बॉस अप्रेजल इंजीनियर हो, मुझे जान के बड़ा वो हो रहा है, सेम ड्राइव। मुझे एक चीज आप बताओ, लोग मुझसे भी पूछते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियर क्यों नहीं बनता, बंदा और कुछ क्यों बन जाता है? मैं आरजे बन गई। इंजीनियरिंग जो है ना मोनिका जी, इंजीनियरिंग एक ऐसा क्रैश कोर्स है, एक ऐसा क्रैश कोर्स है जो दुनिया का कोई क्रैश कोर्स बना नहीं सकता। ये है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बेसिकली। इंजीनियरिंग मेरे को ऐसा लगता है, इंजीनियरिंग फील्ड एक छलावा है ये निकालने के लिए एक इंसान को बनना क्या है, उसको ऐसा लगता है कि आप देखोगे कॉमेडी फील्ड, देखोगे आप कॉमेडी फील्ड में 70-80% लोग इंजीनियर होते हैं, 70-80%, क्योंकि उनकी लाइफ में इतनी ट्रेजेडी होती है कि एक पॉइंट के बाद उस पर कॉमेडी कर करके फिर अपना करियर बना देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंजीनियर हर कुछ बन सकता है, लेकिन वो इंजीनियर नहीं। इंजीनियर ये बात रखता रखती हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। इंजीनियर हो, मैं इंजीनियर हूँ, कितनी असाइनमेंट और जर्नल्स भरी है आपने और मैंने, लेकिन अभी लाइव बैठे आप रेडियो में चीज है, मैं मेरे यूट्यूब चैनल से, बताओ जिंदगी कहाँ से कहाँ, बने इंजीनियर नहीं बने। होगा नहीं, वो वहां पे रहते रहते पता लग जाता है कि भैया ये बस कमेंट पास करने लिखना। शायद थोर का कमेंट है, आई थिंक आई विल आल्सो लीव इंजीनियरिंग। अरे नहीं भाई, ये लोग इंजीनियरिंग छोड़ देंगे फिर आपके और मेरे में डालेंगे। नहीं भाई, ओ भाई, ओ भाई, पूरा खत्म कर ओ नहीं, पता लगे इनके घर वालों के हमें मैसेज आ रहे हैं, तुम लोग क्या उत्साह मैसेज आएंगे, ये चंचलानी ने ना बर्बाद करके रखा है जनरेशन को, पहले गालियां सिखाते हैं
उसके बाद इंजीनियरिंग से क्विट करवाते हैं, मतलब हर चीज आशीष चंचलानी ने करवाया है, ऐसा ऐसा आएगा। लेकिन एक इल्जाम मेरी तरफ से है आशीष चंचलानी पे, जिनको मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ, आशीष अपने डोरेमोन के साथ ऐसा क्यों किया? देखिए कैसा है ना, मेरे को ना डोरेमोन बहुत पसंद है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, डोरेमोन मेरे को बहुत पसंद है कैरेक्टर, एंड मुझे ऐसा लगता है कि डोरेमोन को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। मैं एज अ कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, मतलब फ्यूचर से एक रोबोट आया जो तुम्हारे खानदान को मदद कर रहा है और सब इतना इतना गंदा ट्रीट करते हैं उसको, नोबिता को तो काम धंधा है, मतलब एपिसोड शुरू होता है उसके रोने से उसके रोने तक खत्म, वो जियांग आके मारेगा, वो सुनियो मारेगा, शिजु का दम दिखाई है, मेरे को डोरेमोन के लिए बहुत बुरा, तो मेरे को ऐसा था कि डोरेमोन अगर अंदर से भड़क के मतलब हमारे जैसे बात करेगा तो उसकी फीलिंग्स कैसे आएगी, तो ऐसा मैं बचपन से सोचता था, मैंने बहुत लोगों को बोला था यार ये डोरेमोन तो गाली मारता है कि सालों मेरे को काम धंधा नहीं है, मेरे को क्या मतलब फ्यूचर से तुम लोग घर के काम करने के लिए भिजवे हैं, मतलब क्या नोबिता के क्या मैं क्या असिस्टेंट हूँ, तो मतलब वो सोचते सोचते ना वो आइडिया निकल आया डोरेमोन का, और वो मतलब इतना वायरल हो गया, एंड आई थिंक वो उसका चलने का रीजन ही है ना कि लोगों ने कभी इमेजिन ही नहीं किया होगा कि डोरेमोन इतना भड़का हुआ बैठा है दिमाग से। सीरियसली ये था नो फिल्टर डोरेमोन बाय आशीष चंचलानी। जी 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 नो फिल्टर एकदम, मतलब डोरेमोन की दिल से डोरेमोन भाई के साथ क्या चल रहा है जिंदगी में वो मैं मेरे डब में दिखता है। अच्छा और ये जो बेला के साथ जो हुई थी कहानी आशीष चंचलानी की, मैं फैन हूँ तो देखो मैंने सब देख रखा है। वो अपना ट्वाइलाइट ना। हाँ देखिए इसकी बड़ी अजीब कहानी, मेरी एक एक्स थी उसने मेरे को छोड़ दिया था ये कह के कि यू नो मैं एडवर्ड की तरह नहीं लगता हूँ, मेरे को एडवर्ड मतलब दिस इज लाइक रियली वियर्ड, हाँ दिस इज रियली वियर्ड हाउ डम, ठीक है, बहुत पहले की बात है, तभी वो भी बच्ची थी मैं भी बच्चा, मतलब ये सच का है, ये सच का इंसिडेंट है, ये सच की, तो मतलब उसने मेरे को छोड़ दिया था, तो मैंने ऐसे वो ऐसे एक तू मेरा प्यार ठुकरा रही है, एक दिन मैं तेरे ये एडवर्ड की बेइज्जती करके रहूंगा, एंड देन मैंने ट्वाइलाइट की सीरीज में बेला कैरेक्टर को इतना सैवेज रखा, मैं बोला ये ना बेइज्जती उतारेगी एडवर्ड की, जो इतना मतलब नो ऑफेंस टू रॉबर्ट पैटिनसन इज अ वेरी गुड एक्टर, नो ऑफेंस टू यू नो मैं कृति सैनन बोलना चाह रहा कि क्रिस्टन स्टुअर्ट दे आर लाइक गुड एक्टर्स, बट मतलब मैं वो बहुत दिल पे मेरे को वो चोट लग गई थी, तो बस वो तो बेला ने एडवर्ड की बहुत ही गंदी मारी है मेरे तो। अच्छा तो ये जो एक्स छोड़ के गई है वो ना टुकरा के मेरे प्यार को मेरा इंतकाम दिखेगी। अब मैं एक और तुम्हें प्रेम कहानी दिखाऊंगा। गुड बिल्कुल बिल्कुल वही वही वही। अच्छा एक और चीज जानने की मुझे बहुत जिज्ञासा है कि पापा आशीष चंचलानी के जो पापा आप ही बनते हो जो, वो हमेशा व्हाइट शर्ट क्यों पहनते हैं? क्योंकि मेरा बाप जो है बहुत कंजूस है, मतलब मेरा बाप जो है मतलब मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो मेरे डैड रियल डैड इज लाइक मतलब ऐसे पैसे दे ऐसे इंसान है, बट मैं अपने कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ कि वो इंसान लाइट को देख के 3 सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका हरामी बच्चा कितना बिजली वेस्ट कर रहा है, तो ऐसा इंसान शर्ट में क्या खर्चा करेगा, तो वो एक ही व्हाइट शर्ट पहनता है, वो देखो टॉम एंड जेरी देखो ना, टॉम जेरी सब एक ही रहते हैं, सब एक ही, तो मेरा वो थीम है कि मतलब जो कैरेक्टर आएगा वो एक ही कपड़े पहन के रहेगा। ये सही है थीम बन गई और किफायती भी है, कपड़ा खरीदने का टेंशन किफायती भी है, वो शर्ट उधर की उधर ही पड़ी रहती है, मतलब वो शर्ट का जब दिन आता है शूटिंग का उधर ही पड़ी रहती है। अच्छा तो कभी आपके पापा ने मतलब जो रियल लाइफ में आपके पापा हैं उन्होंने नहीं बोला कि बेटा तुमने क्या पापा को बदनाम करके रखा है? मेरे पास एक्चुअली में सवाल आए हैं कि आशीष से पूछना उनके पापा सच में ये करेक्टर जैसे हैं या ये बस वर्चुअल है? देखिए जितना मैं दिखाता हूँ उतने तो नहीं है, उसका आप 1-2% पकड़िए, वो इलेक्ट्रिसिटी पे थोड़ा ये हो जाते हैं, एंड आई एम श्योर सबके डैड होते हैं ना, कि मतलब आप जरा सा बिजली वेस्ट कर दो ऐसा ट्रिगर्ड हो जाते हैं मॉम डैड दोनों, तो वो चीज है ना मेरे को एक बार खा गई क्यों मतलब मैं उनके ही काम के लिए लाइट जलाई थी और मेरे को डांट रहे थे, तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब ये कोटा है क्या डांटने का कि लाइट जलाए नहीं जलाए काम के लिए जलाए, तो तब से एक दिमाग में आइडिया आया कि एक ऐसा बाप लाएंगे कैरेक्टर जो मतलब एकदम बेटे को सैवेजली मतलब रोस्ट करते रहते पूरा टाइम, एंड आई एम श्योर वो हर इंडियन डैड करते हैं।
सीरियसली और ये जो आपका कैरेक्टर भी करता है वो गालियां सब हमने भी खाई हैं, हर कोई खाता है अपने सब, इसलिए तो सब रिलेट कर पाते हैं। हाँ, मेरे को लगता है एक उम्र के बाद जो कपल होता है बच्चों को जन्म इसलिए देता है कि अब गाली निकालने के लिए, के लिए। मैं स्लोली स्लोली टर्न हो जाऊंगा ये बाप के कैरेक्टर में, आपको क्या लगता है? मैं अपना फ्यूचर दिखा रहा हूँ, औलाद पैदा होगी ना मैं उसको मेरे यूट्यूब पे वीडियो दिखाऊंगा, ये देख तेरे साथ ये होने वाला है, इसलिए तमीज में रही हो। अच्छा आशीष इसी बात पे एक बार बोल दो, बिजली का बिल कौन भरेगा? हाँ, ये डायलॉग ना, बिजली का बिल अभी बाप को ही भरना पड़ेगा, और कौन भरेगा? मनु दौला तो वेस्ट करती रहती है, उनको काम धंधा तो है नहीं, पैदा हुए तब से खर्चे ही करवा रहे हैं, एक रुपया तो दिया नहीं है बाप को, तो बिजली का बिल बाप ही भरेगा और कौन भरेगा? आपको कैसा लगा था जब एक पर्टिकुलर डायलॉग इतना ज्यादा फेमस हो गया? मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये ऐसा कोई न्यू डायलॉग नहीं था, मतलब इट वाज लाइक सबके डैड एक बार बोल चुके हैं, एंड मैंने बस मेरे साथ जो ये डायलॉग आया मैंने वो वीडियो में उठा के डाल दिया, एंड आपको सच्ची बता रहा हूँ पहले वो इतना वायरल नहीं हुआ, फिर मैंने शाहिद कपूर जी के साथ वो वीडियो बनाया एंड उसमें वो इतना फट गया, इतना देखो हर रास्ते में रैंडम लोग बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा बिजली, एंड देन वो मीम टेम्पलेट बन गया, बहुत फेमस अच्छा हो गया, आई नेवर एक्सपेक्टेड इतना फैल जाएगा।